أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज 23 मार्च की तारीख है जमात अहमदिया दी नी बुनियाद रखी गई लुधियाना शहर के अंदर और हजरत मिर्जा साहब नू अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुक्म फरमाया कि आज दे दिन तुसी उन लोगों नू जिहड़े तुहानू सच्चा समझदे ने जेड़े एक खुदा ते माल लैंदे ने जेड़े अच्छी आदत ने जिन्हें अंदर नेक अमाल की शौक और ख्वाहिश है उन्होंने बैत लो जे अज की तारीख 23 मार्च 1899 हजरत मिर्जा साहब ने लुधियाना शहर के अंदर यह बैत लीती और जैसा मैं तुम दसिया बहुत ही अहम दिन है जमात की तारीख असी बचपन में एक खेल खेडिया करते सी जिथे मुख्तलिफ घर बनते ने इमारत बननिया ने उत्थे इटां दे ढेर लग जाते हैं तो बचपन में इदा इट खड़ी कर दी थी थोड़े फासले ते एक होर इट खड़ी कर दी थी थोड़े फासले से एक होर इट खड़ी दी थी सैकड़ा इटा खड़ी कर दी छोटी उम्र होंदी सी 7-8 साल की ते उहदे बाद पहली ईट जिहड़ी रखी सी उन्हें थोड़ा जिहा हिला देना उन्हें टक्कर मारनी अगली नूं उन्हें टक्कर मारनी अगली नूं ते थोड़े अरसे दे अंदर वह सैकड़ा इटा भी जिहड़ियां ने उह गिर जांदियां सन बच्चे दी खेल सी लेकिन इस खेल के अंदर सबक बहुत वड्डा है इस्लाम दे बानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी विच उंगले बड़े हज किए लेकिन नबूवत दे दावे दे बाद आपका आखिरी हज सी जिन्हों हज्जतुल विदा कहा जाता है कि उसके बाद आपकी विदाई हो गई इस जहान तो चले गए उस तकरीर के अंदर लख आदमी जो अजकल 30-40 लाख जमा हो जाता है उस वेले भी अरब के अंदर रिवाज सी सारे अरब तो लोग आते सन चाचे आपने एक पैगाम दिता पैगाम यह दिता कि लोगो इस जगह तुसी जेड़े जमा हुए हो मेरी एक गल याद रखना तुहाडा रब एक जिस जरिए नाल दुनिया पैदा हुई आदम उहदी नस्ल तुहाडा बाप एक कोई वड्डा छोटा नहीं ना काला जड़ा है वह नफरत करने काबिल है तो गोरा बड़ा अच्छा है ना मशरक का रहने वाला बड़ा है तो ना मगरब का रहने वाला जड़ा है वह घटिया है सारे इको बाप की औलाद हो और इस चीज़ को तुसी याद रखना है नफरत उस जगह पैदा होती है जबकि आदमी समझता है कि मैं कुछ हाँ तो मेरे भाई के अंदर खूबियां नहीं है लेकिन जब वो अंदर यह एहसास पैदा हो जाए कि मेरे भाई के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खूबियां होंगे जी मेरे अंदर नहीं है तो फिर वो कभी भी उसकी निंदा नहीं कर सकता उन्हें बुरा भला नहीं कह सकता यह बड़ा जबरदस्त मजमून से जरा क्यामत तक
इंसानी नस्ल लिए बड़ा जबरदस्त सबक है, कोई एक दूजे तो वड्डा नहीं। वड्डा कौन है? जरा परमात्मा तो डरन वाला है। वड्डा कौन है? जी परमात्मा दी जी मखलूक है, उसके नाल मोहब्बत और प्यार करने वाला है, उसकी खिदमत करने वाला है। कोई जात पात नहीं, बल्कि आपने फरमाया आज असी जात पात सारा रहे अपने कदमों के थले कुचल रहे हैं। आज तक तो कोई चीज ऐसी दुनिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो फिर जी आखिर तो नसीहत की थी, वही मेरा मकसद है बयान करने का। आपने फरमाया मैं थोड़े सामने जो कुछ बयान किया है, सारी दुनिया के लोग तो इतने मौजूद नहीं। मेरी थोड़े नाल ख्वाहिश है, बेनती है कि जरा इतने मौजूद है वो घर जाके उन्होंने जरा इतने मौजूद नहीं है आज उन्होंने मेरा यह पैगाम पहुँचा दे। हुण इत्थे कोई ज़्यादा आबादी तो नहीं बैठे असी जी बैठे हैं इस जगह जलसे ते, लेकिन मैं इट्टां दे खेल की मिसाल दित्ती सी तुहानूं। अगर साढ़े सारे जो इत्थे बैठे ने वो अपने घरां में जाके अपने पिंडां में जाकर अपने इलाके जाकर वो पैगाम प्यार मुहब्बत का इतफाक का भाईचारे का अगे बयान करनगे, और अगे उन्होंने ख्वाहिश कर देंगे कि तुसी भी अगला पैगाम होर अगे लोगों पहुँचाओ। तो अगर 100 आदमी भी इतने मौजूद है तो वो अगे 100-500 हज़ार पैगाम पहुँचा देगा, वो अगे वही पैगाम अगे हज़ारों पहुँचा देंगे। इदा दुनिया की आबादी तक यह पैगाम पहुँचता चला जाएगा। यह इंसानी फितरत है। जानवरों में तुसी देख लो, बंदियों के अंदर तुसी देख लो, किसी का ख्याल रखोगे, किसी भूख लगी हुई है तो उसकी भूख दूर करोगे, किसी प्यास लगी हुई है उसकी प्यास दूर करोगे, किसी को सर छुपान की जगह नहीं, बारिश आ रही है तेज उन्हें जगह दे दोगे, पनाह दे दोगे, तो वो थोड़ा एहसान को याद रख रहे। कहावत होंगे ने, लेकिन कहावत के अंदर बड़ी सच्ची बात बयान की जाती है। कहते ने एक मुसाफिर जा रहा से, रात का वेला हो गया, जंगल का इलाका सी, उसने देखा कि अगे शेर बैठा हुआ है, कल्ला आदमी, ना कोई हथियार भी कोई नहीं, अपनी जान भी नहीं बचा सकता। बड़ा खौफ पैदा हो गया कि हुण तो मेरी जान गई, लेकिन पहुँचना भी जरूरी सी अपने घर को। वो शेर के कोल गुजरिया, उसके कोल पहुँचा, तो शेर ने जी प्यार दी अलामत सी वो अपने दुम दुम हिलानी शुरू की, कुछ नहीं किया। तो कहावत है कहती है क्यों नहीं किया, इसलिए कि कुछ अरसा पहले जंगल में एक जहरीला कंडा कट गया सी शेर में, तो तड़पता सी। उस वेले यही मुसाफिर उतों गुजरिया, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, ठहर गया, उसके पंजे नूं फड़िया, बड़ी देर करके उसके पंजे तो जहरीला कंडा कढ़िया, जिहदे नतीजे च उन्हों सुकून मिल गया, आराम मिल गया। तो खूंखार जानवर भी इंसान नूं भुलदा नहीं। तो सानूं हमेशा यह सबक याद रखना चाहिए कि मुहब्बत मुहब्बत तो खिंचदी है, नफरत के नतीजे च असीं एक दूजे तो दूर हो जाने हैं। कई चीज़ा तो इसलिए एक दूजे तो दूर कर देंदियां ने, सानूं मतलब ही नहीं आता। हिस्ट्री च आता है कि मुख्तलिफ मजहबों की लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई कि वह जोड़ा बोलते सन तकरीर करते सन उसे समझ नहीं आती सी की कह रहे हैं। मुसलमान हर नमाज तो पहले बांग देता है,
लेकिन बदकिस्मती दे नाल पाकिस्तान दे अंदर जमात अहमदिया नूं बांग देण दी इजाजत नहीं है। लेकिन बांग विच की आखी जांदा है, अगर उसका तर्जमा आ जाए एक हिंदू दोस्त नूं, एक सिख दोस्त नूं, एक ईसाई दोस्त नूं, वह कभी बुरा कहेगा कि रात को 3 बजे उठ के लाउड स्पीकर से शोर मचा देते हैं, हर की करते हैं, तो इंसानियत की हकीकत दसी जाती है। मैं गवाही दे देना देना है कि रापिक है, और कोई शरीक नहीं। मैं भी गवाही देना है कि हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमात्मा की तरफ आए, रब ने उन्होंने भेजा, उन्होंने अपनी मखलूक के लिए बेहतरीन चंगा नमूना पेश करने की ताकत दीती। फिर आवाज देता है ऐश्वर्य करके हजार सला, की मतलब है नमाज की तरफ आ जाओ, भक्ति की तरफ आ जाओ, खुदा दी याद करो। फिर दूजे पासे मुंह करके कहता है हयाल फला, की मतलब है कामयाबी की तरफ आ जाओ, यह जी तालीम दिती है थोड़ी सरासर कामयाबी की तालीम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो वड्डा है, अल्लाह सब तो वड्डा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दे सवा होर कोई परस्तिश ते इबादत के काबिल नहीं। हुन ए तर्जमा मैं तुहानू सुनाया पंजाबी जबान दे अंदर अरबी अजान दा, कोई गल इहदे अंदर है जिहड़ी एक दूसरे दे अंदर नफरत पैदा करन वाली है, करीब लिआउण दी चीज़ है। साडा एक हिंदू दोस्त अपने मंदिर जाता है, एक सिख दोस्त अपने गुरुद्वारे जाता है, उत्थे भी श्लोक होंदे ने, उत्थे भी तालीम दित्ती जांदी है। क्या उस मंदिर की तालीम विच यह कहा जाता है कि मुसलमान नाल नफरत ना करो, नफरत करो, या गुरुद्वारे जाती है तालीम दी जाता कि मैं तुम दस्या इस्लाम की अजान के अंदर भी और दूसरे मजहब की गुरबाणी जी पेश की जाती है, उस भाईचारे को बयान किया जाता है। तो जरूरत इस चीज़ की है कि असी इन गलों याद रखिए और अगे फैलाइए, अगे फैलाने के नतीजे जी चीज़ हम अगर इतने 100 आदमी ने उन्होंने कानों में पई तो थोड़ी देर के बाद हजारों तक पहुँच जाएगी। तो यही गरज है साढ़े जलसे वगैरह करन दी। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जमात दे जी बुनियाद रखी, वो फरमाया मैं इसलिए भेजा गया है कि परमात्मा ने अपनी मखलूक को पैदा किया, लेकिन मखलूक बाल दफ़ा भुल जाती है तो परमात्मा की याद नहीं करती, दूर चली जाती है। क्या कसी तुसी देखे कि परमात्मा की हवा हिंदू के घर जाती है मुसलमान के घर नहीं जाती? क्या कभी तुम यह नज़ारा देखे है कि जमीन की धरती जी है वह हिंदू के खेत या सिख के खेत में कनक पैदा कर देती है तो मुसलमान के खेत नहीं करती? ऐसा तो नहीं होता, कोई फर्क नहीं करता। तो जिन्हें सानू पैदा किया है उसका अमल देखो, उसका तरीक देखो, सब उसकी मखलूक है, सब का ख्याल रखता है। और यही चीज़ आपस में सानू करीब लिया मूजिब बन जाती है, एक दूजे को समझने के नतीजे, एक दूसरे की तालीम को पहचान के नतीजे। तो असी जमात अहमदिया की तरफों अज के दिन वही पैगाम जो मेरे साहब ने पहले दिन जमात की बुनियाद रखते हुए दुनिया के सामने पेश की सी, उसको याद करने लिए सब तो पहले मुखातिब एक अहमदी है जिन्हें बानी ने मेरे साहब ने सानू ऐसे तालीम दी, और फिर हर दुनिया का वो इंसान जिन्होंने खुदा ने अकल बुद्धि समझ दी है वो इस सच्ची तालीम को याद रखे तो अगे पहुँचाए। यही साड़ी बेनती है और दुआ है। दुनिया देखो किसी जगह भी तुम्हें अमन नज़र आता है,
रोज का अखबार कट के देख लो, हमें लगता है कि इंसान इंसान नहीं रहा, हैवान, बल्कि हैवान तो भी ज्यादा गिर गया है। ये चीज इसलिए पैदा हो जाती है कि आदमी समझता है कि खुदा ने मन ऊंचा बनाया, बड़ा बनाया, दूजा नहीं बनाया। लेकिन अगर सानू गुरुओं की तालीम, ऋषियां मुनिया की तालीम, पैगंबरों की तालीम सही समझ आ जाए तो कभी भी यह फर्क ना पैदा होए। एक दफा ईसाई मजहब के बानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह तो गुजर रहे सन, तो उसी भी बड़ी दफा तो नज़र पई होएगी, सड़क पर जाते जाते टक्कर मार जाता है, कुत्ता मरिया पै जाता है, जिसम फुल जाता है, तो उसी अद्धे फरलांग तो थोड़ी नाक नक बू आनी शुरू हो जाती है। तेजी नाल नठ नठ के गुजर जाओगे, ठहर नहीं सकता, ऐसी जगह हो जाती है। लेकिन लोग गुजर रहे कहने लगे कि दिन जिंदा भी गंदा जानवर सी, तो मरण के बाद भी कितनी तकलीफ दे रही है। तो किताबों में लिखे है कि जीसस क्राइस्ट ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो कुत्ते के दंद बिल्कुल चिट्टे होते हैं, उन्हें मुंह खुलिया से मरे हुए कुत्ते का, तो आपने फरमाया इसके दांत देखो कितने मोतियों की तरह चमकते हैं। वो खूबी मरण के बाद भी एक चीज इंसान की खूबी नजर आती है, उस चुन के दुनिया ने दसिया कि तुम इसके कह रहे हो कि ये बुरा हो गया, फूल गया, इसके जिसम से बू आ रही है, ये नहीं देखते कि इसके मोतियों से भी बेहतर साफ चमकते हुए दांत। तो असी अगर अपनी जिंदगी का असूल यह बना लीए कि अपने भाइयों में, अपने हमसाए में, अपने तल्लुक वाले में खूबियां देखिए, और हर खूबी जड़ी है वो हरेक के अंदर नहीं होती, किसी के अंदर कोई खूबी होएगी, किसी के अंदर कोई खूबी होएगी। मेरा थोड़ा काम की है कि अकलमंदी की गल, दानाई की गल जिथों मन ला वो थोड़ी को गुमशुदा चीज है। जी भी दुनिया किसी जगह चले जाओ तो चंगी तालीम मिलती है, चंगी नसीहत मिलती है, थोड़ी अपनी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं करना, हकारत नाल नहीं देखना, बल्कि कदर करनी। तो मेरी आज दे दिन अपने वो तमाम मेहमानों हमसायों जेडे आज तशरीफ ले आए, और बहुत ही कीमती वक्त दिता। अज के जमाने में तो लोग सिनेमा घर चले जाएंगे, दूजी अयाशी की चीज़ा ने और मसरूफ हो जाएंगे, अच्छी गल्लां दीन दी गल्लां अच्छी तालीम उली वक्त नहीं कट सकते। असी जमात अहमदिया ममनून है, थोड़ा एहसान मनती है कि तुसी बड़ा कीमती वक्त दे के इत्थे आए, बड़े तवज्जो नाल जमात अहमदिया की तालीम सुनिया, और असी तवक्को रखने हाँ कि तुसी इस अच्छी तालीम नूं जिदा कि असी जमात अहमदिया तरफों हर साल ही ऐसे जलसे किए जाते हैं, जिसे असी कृष्ण अलैहिस्सलाम की तालीम, रामचंद्र जी तालीम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम, हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह की तालीम, इसी तरह दूजे ऋषियां मुनियां की तालीम नूं पेश करने हाँ ताकि दूजे नूं पता लग जाए कि भारतवर्ष के अंदर या दुनिया के अंदर खुदा दे लोग जिहड़े सन पहुंचे हुए खुदा दी मखलूक दे रहनुमा किन्नी अच्छी किन्नी आला तालीम दुनिया च लेके आए सन। तो यही चीज़ हर अहमदी अपना फर्ज समझदा है, आज उसी फर्ज नूं अदा कर लिए असीं जमा हुए हाँ, और तुहाडे ममनून हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं अपना कीमती वक्त खर्च किया है। मेरी तमन्ना है, साडी प्रार्थना है कि अल्लाह ताला सानूं भी और तुहानूं सारिआं नूं
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ।